भाई हो गया सब रेडी हमारा खाना, अब पूरी बनाया जा रहा है। हमारा भगवान को भोग लगेगा, दिया में भी आरती लगाया जाएगा। मैं बस अभी लगाता हूँ दिए में घी और बत्ती, और मैं भी बस होता हूँ। चलिए भाई का स्वागत नहीं करोगे? राम राम भाई, राम राम भाई, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर कैमरा दिया तो ठीक है, नहीं तो उठा के फेंक देंगे। हमारा कुकिंग हो गया स्टार्ट, एक अच्छा थोड़ा तेल में फ्राई करेंगे। फिर ये हमारा पम्पकिन बन रहा है, आज दीपावली सेलिब्रेशन बनेगा। अभी हेलो दोस्तों, तो आज है दिवाली और आज का प्लान कुछ है। हमने आज अभी जिम जाना है मॉर्निंग में, उसके बाद आके मुझे अपना DJI Mini 2 हमने ख़रीदा है, उसको अनबॉक्सिंग करना है। तो यहाँ पर ही रखा हुआ है, आप देख सकते हो, अनबॉक्सिंग करना है। उसके बाद दीपावली का कुछ सेलिब्रेशन का कुछ खाना वाना बनाएंगे, आज सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये है हमारा नया रूम घर जहाँ हमने शिफ्ट हुआ है। हम लोग अभी 4 लोग हैं यहाँ पे, सबसे मिलाता हूँ एक एक करके कुछ देर बाद। कुछ लोग तो अभी सो रहे हैं, वीकेंड है। और यहाँ से हमारा आउटसाइड व्यू देखो आप। वो है हमारा ऑफिस, ये वाला जो, ये हमारा ऑफिस है। तो 100 मीटर की दूरी होगा यहाँ से हमारा ऑफिस, तो काफ़ी पास हो गया है। तो जब रीओपन होगा तो ऑफिस जाने में इजी हो जाएगा। तो चलो फिर मिलता हूँ मैं फ्रेश होके। तो भाई घर की सफाई सब हो गया है, गौरव यहाँ पर लेटा हुआ है। हमारा ब्रेकफास्ट जो है एक शैतान ने खा गया था, तो भूख लगा हुआ है। तो मैक्सिकन ऑर्डर किया गया है, चलो जाके देखते हैं मैक्सिकन क्या है। और जब तेरा खाना बन रहा है तेरा फोन इधर। हमारे अनिल भाई बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अनिल भाई? उपमा। उपमा, तुम्हें दोबारा उपमा खाने को मिलेगा भाई? खुश हो गया मैं। मेरा ब्रेकफास्ट किसी 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 शैतान ने मेरा ब्रेकफास्ट खा गया था आज। और आज बनने वाला है कैबेज स्पेशल। शाम को क्या क्या बन रहा है? शाम को बनेगा कैबेज, उसके बाद बनेगा क्या बोलते हैं उसको, पम्पकिन। पम्पकिन का क्या बनेगा? पम्पकिन, आलू पम्पकिन। और फिर बनेगा वो साबूदाना का कुछ खीर बनाने वाले लोग। ओके। और फिर छोले, छोले बनेंगे आज तो मस्त है। ये देखो, ये जो हमारा बदमाश है, ये मेरा ब्रेकफास्ट खा गया था और गेम खेल रहा है। ब्रेकफास्ट फेंक देते हो? ब्रेकफास्ट मैंने फेंक दिया, खाया ही नहीं मैंने।
भूख लगा मेरे को, मैं खाऊंगा मैक्सिकन। ये है हमारा मैक्सिकन। अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा, आज दीपावली है, अनबॉक्सिंग होगा आज। ये है हमारा मैक्सिकन, क्या बोलते हैं इसको पता है रमीज? बरिटो या वेजी बरिटो मैक्सिकन। ये हमारा मैक्सिकन, क्या क्या है इसमें? भेज भेज, आज सैटरडे तो भेज खाना है आज। ये है हमारा बीन्स, अरे मस्त मिलता है अनिल भाई। ये कहाँ से ऑर्डर किया, मतलब कौन से यूनिट से? अरे वो कोई बॉक्सिट कौन से स्वास्टन से सर, वहाँ पे पहले बहुत सही हुआ करता था कि उबर इट से। यस, फिर हाल फिलहाल में जब हाल फिलहाल में मतलब मेरे को अभी 6-7 महीने हुए चेक, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई है। पहले बहुत सही हुआ था, पहले मतलब मैं 3-4 साल की बात पहले को किसका उसमें बहुत कुछ रहता है ना, उसमें कुछ क्या भी होता है, सब कुछ इतना बड़ा बॉल लेकर बैठ जा रहा। आज क्या हमारा रविंद्र जिम में, तो खा के खत्म करता हूँ फिर अनबॉक्सिंग। अब चार्जर है ना कैमरा में, चार्ज है ना? पता नहीं, चलो उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। यस, तो हमारा हो गया है लंच, अनिल भाई का लंच बन रहा है और रमी जाएगा मैक्सिकन। चाबी उठाओ, वाह। तो इस बीच हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। आ जा बरा देवी, देवी बैठ के अनबॉक्सिंग कर ले। दोनों भाई साथ में बैठे, वीडियो चल रही है क्या? चल रही है, स्टार्ट हो गया। एक नाइफ दियो, तलवार ले आओ। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को चलाने नहीं देता था, ठीक है, वो इसी के कैमरा से वो रिकॉर्डिंग अंदर चल रहा था, तब से अंदर चल रहा था कि भाई निकालना है, बैठ जा, इसके ड्रोन को हराना है, तोड़ना है। तो गाइस, आज यहाँ पर बिस्वा है अपना पहला अनबॉक्सिंग करते हुए। ये कोई तो पतंग लाए हैं, पतंग विदेशी पतंग, देसी पतंग जिसको ये यहाँ पे बिहाइंड द कैमरा हो गई है, ये बिहाइंड द कैमरा। और इधर एक आज शैतान भी बैठा है, इधर रमेश बिहाइंड द कैमरा करके है। ये है हमारा ड्रोन, ये डब्बा है, डब्बा है, डब्बे के अंदर ड्रोन। इसका मैं ऐसे ही देख रहा था, इसका जो केस जो दिया है रमेश भाई, ये सबसे सॉलिड है। हमारा एक प्लास्टिक का लेबल दिया हुआ है। तो ये है हमारा ड्रोन, पहले तो मैं ड्रोन ही खाता हूँ भाई साहब, मेरे हाथ से भी छोटी है। इसका रेंज जो मॉडल 1 था DJI मिनी, उसका था 4 किलोमीटर। इसका रेंज आपको 10 किलोमीटर तक आप इसको उड़ा सकते हो। और दूसरी बात है, इसको 1 मिनट एक्स्ट्रा फ्लाइट टाइम मिलता है, बट उतना कुछ डिफरेंस है नहीं। और विंड रेजिस्टेंस इसका करीब 19-23 miles per hour है, अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करोगे तो करीब 35-40 किलोमीटर पर आवर।
और स्टेबिलिटी इससे पहले से ज़्यादा अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी इसका बहुत अच्छा है जैसा कि मैं देखा हूँ। और ये है हमारा, ये हमारा इसका कैमरा, सबसे बेस्ट 4K कैमरा जो इसका प्रीवियस वर्जन में जो नहीं था। प्रीवियस वर्जन में ये था 2.7K मैक्सिमम। तो आप अगर ये टीवी में 55 इंचेस में चलाओगे तो मस्त क्वालिटी आएगा। इसको मैं भी लगा देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में ड्रोन का वेट रेगुलेशन के बारे में बता। सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑल ओवर वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या है, अगर 249 ग्राम अगर 250 ग्राम से ऊपर का आपका ड्रोन होता है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके ऑफिशियल साइट में। इंडिया में भी यही है बट ऑस्ट्रेलिया में भी ऑब्वियसली ये भी यही रूल था। मैंने इसका एक एग्ज़ाम भी दिया था जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का रूल्स और रेगुलेशन क्या है जो आप ड्रोन उड़ाते हो। तो हालांकि फर्स्ट बार मैं क्वालिफाई कर गया था क्योंकि थोड़ा बहुत पहले का नॉलेज था, थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। तो ये ड्रोन बैटरी लेके आपका 249 ग्राम है और ये है इसका बैटरी जो इधर से आप निकाल सकते हो। और ये बैटरी आपका प्रीवियस मॉडल में भी यूज़ कर सकते हो और प्रीवियस मॉडल का भी बैटरी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो 31 मिनट का फ्लाइट टाइम दिया हुआ है, अगर रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जाए तो ये करीब करीब 20 मिनट्स आपको देगा। और मैंने कॉम्बो ऑर्डर किया है और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसका रिमोट जो मतलब नाविक मिनी 2 से लिया गया है। पहले का आप रिमोट देखोगे तो वो उतना कुछ खास नहीं था, उसमें बहुत सारे पंगे थे, बट इसका रिमोट जो है ये काफ़ी अच्छा है। इट्स लाइक माई जॉयस्टिक, एक्सबॉक्स का जॉयस्टिक, तो इससे मुझे उड़ाने में बहुत ईजी होगा। यहाँ पर आपको ये बेसिकली जो मैंने इसका पढ़ा है ये आपका आईफोन के लिए बेस्ट कंपेटेबल है। तो यहाँ पर सेफ दिया हुआ है मेड फॉर आईफोन्स, तो इससे क्या इसको आईपैड में भी कंपेटेबल, इतना बड़ा कहाँ लगेगा वहाँ पर फोन लगाना है तब जाके दिखेगा। यहाँ पर फोन आप माउंट कर सकते हो और यहाँ से इसका है ये एक चीज़ डाउट है वो देख पाए कि इसका हार्डवेयर, क्योंकि अब इसका प्लग देखोगे तो आईफोन के लिए दिया गया है इसीलिए इसमें लिखा गया है कि बेस्ट कंपेटेबल जो आप उस दिन बता रहे थे कि आईफोन के साथ है। तो मैं एक डाउट हो रहा था कि ये प्लग मुझे एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, बट ठीक है जरूरत है तो ये बेस्ट पार्ट है। और इसका जो रिमोट को चार्ज जो चार्ज है बहुत देर तक चलता है। ये है स्पोर्ट्स, डिफरेंट मोड नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है और सिग्नल है कुछ है ये, और जैसे लेवलिंग है पता नहीं मुझे क्या क्या है इसमें। मैं जब इसको स्टार्ट करूँगा तब पता चलेगा कि क्या क्या किया जा सकता है इस ड्रोन के साथ। ये रिकॉर्डिंग का है यहाँ और बटन है, और यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन है, ये क्या है पता नहीं, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। अब आते हैं इसका एसेसरीज, ये है इसका एसेसरीज। तो हालांकि मैंने कॉम्बो लिया है तो इसके साथ ऑल एसेसरीज दिया गया है जिसमें से हमारा है बैटरी चार्जर। तो एक बैटरी ऑलरेडी मेरे ड्रोन में लगा हुआ है और एक्स्ट्रा 2 बैटरी दिया गया है इसमें जो कि आपको लॉन्गर फ्लाइट टाइम देगा। ये 2 बैटरी है और इसका रिचार्जेबल केस भी बहुत सॉलिड है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो हालांकि इसको अब करीब करीब सब मिला के 1.5 आवर का फ्लाइट टाइम टोटल हो जाता है अगर एक बैटरी यूज़ करोगे तो 20 मिनट्स। और ये डिफरेंट केबल्स दिया हुआ है, लाइक इफ़ यू हैव एंड्रॉयड और डिफरेंट प्लगइन्स तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं रिमोट से कनेक्ट करने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। और चार्जिंग केबल दिया है इसमें, आपको बैटरी चार्ज करना है तो आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप ड्रोन को भी यहाँ से चार्ज कर सकते हो, ड्रोन का ड्रोन के अंदर बैटरी भी डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो यहाँ पे। और मिनी आपका एसडी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है पीछे, और अच्छी बात है कि जो आप जब फ्लाइट उड़ाओगे तो यहाँ पे ये ब्लिंक करेगा लाइट, आपको पता चलेगा कि फ्लाइट मतलब उड़ रहा है या फिर सिग्नल के लिए यहाँ पर लाइट दिया हुआ है, कलर का आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये है हमारा मिनी और ये है इसका चार्जिंग प्लग, फास्ट चार्जिंग आई गेस 18 वाट, तो ये हमारा आईफोन के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो ये था ऑल टोटल हमारा मिनी ड्रोन। और ये बैग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें मैं एक्स्ट्रा अपना GoPro भी यूज़ कर सकता हूँ, रख सकता हूँ इसमें। GoPro के लिए मुझे केस चाहिए था तो इसी में मैं सब कुछ रख सकता हूँ।
तो ये था हमारा अनबॉक्सिंग। अब आज तो नहीं, ये वीकेंड तो हम कहीं उड़ा नहीं पाएंगे, दीपावली सेलिब्रेट करना है, तो नेक्स्ट वीकेंड ट्राई करूँगा मैं इस ड्रोन के लिए कुछ फुटेज लिया जाए, फिर आप लोग के साथ नया ब्लॉग में शेयर करूँगा। तो चलिए फिर, आज का अभी बहुत लंबा दिन है और बहुत कुछ करना भी है, दीपावली सेलिब्रेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो गया है। तो हमारा कुकिंग हो गया स्टार्ट, एक अच्छा सा नींद हम लोग मार लिए हैं, वो नींद आ रहा था, थक गए थे, एनर्जी पावरफुल। वो चाय बना रहे भाई, एक गिलास चाय गर्म बना रहे इसमें, और हम बना रहे हैं अभी पोटैटो का, इसको थोड़ा तेल में फ्राई करेंगे, फिर यह है हमारा पम्पकिन, ये है साबूदाना, ये है हमारा छोले, ये है हमारा कैरेट, सब बन रहा है आज दीपावली सेलिब्रेशन। तो अभी बने जाइए, अभी सब बनेगा, अभी तेल इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो इसको बना लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी ब्लॉगिंग का आधा पार्ट मैंने गौरव भाई को दिया हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं बिजी है, और गौरव का ढाबा का चाय पिया, गुड़ की चाय भी के थोड़ी ताजी आई है, और अब क्या मस्त बना था भाई गुड़ की चाय, फटाफट सब चीज बना के। गुड़ की चाय की फीडबैक लेना है तो अनिल भाई से ले लो। आनंद, सुकून, जूम कर पाऊं बाहर का नजारा दिखा देते हैं। एक्शन एक्शन दिया जा रहा है। हमारा ऑफिस किधर है भाई, दिखा दे, ये सामने ऑफिस हमारा, ये वाली बिल्डिंग 100 मीटर की दूरी पे, ये मैं इनको जूम 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 कर रहा हूं, इतना क्यों होता है भाई का, हमारा शादी होने वाला है अभी, हम गलत आदत दिला रहे हैं बेटी का, भाभी जब देखोगे फ्यूचर में तो समझ लीजिएगा, भैया जी को चाहिए होगा बेटी। ये अभी कद्दू बन रहा है, कद्दू कटा लिए, बटेगा भी क्या, कैसे दिए क्या बोलते हैं लोग के साइड में, कद्दू ही होते हैं, हम लोग साइड में लौकी बोलते हैं, और ये प्याज कट चुकी है, इसमें छोक लगेगा, छोलों का, ये छोले में सीटी आ गई है, अब छोलों में सीटी आ गई है, क्या करना है इसको, बंद कर दो, बहुत आ गया। तो हमारे अनिल भाई रेडी हो गए हैं माशाल्लाह, कैसे लग रहा होगा, सल्लू भाई का स्वागत नहीं करोगे, राम राम भाई जान, राम राम भाई, और ये दिवाली घी के दिए, आज राम जी आए थे ना वैसे, तभी तो घी के दिए जलते हैं, क्यों भाई, एक दिया शहीद के नाम, वैसा एक दिया जलाएंगे हम शहीदों के नाम, बाकी एक एक हमारे कमरे रसोई भगवान जी के लिए, और आप ब्लॉग भी, आज भी लोग अपने घर दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग सरहद पे हम लोगों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो भाई हो गया सब रेडी हमारा खाना, और पूरी बनाया जा रहा है, भगवान को भोग लगेगा, गौरव ने भगवान को अपनी जगह सेट कर दिया है, दिए जला जाएंगे, दिए जलाए जाएंगे, ये है हमारा पूरी, बोल दो भाई तुम्हें, ओ भाई साहब बन रही है हमारी पूरियां, ये खोल लिया जाए जरा, दिया में भी आरती लगाया जाएगा, मैं बस अभी लगाता हूँ दिए में घी और बत्ती, और मैं भी बस रेडी होता हूँ फटाफट, कुर्ता पहन के, अच्छा भाई रेडी हो जाओ फिर करते हैं स्टार्ट। ये हमारा पूरी छाना जा रहा है भगवान को भोग लगाने के लिए, गोल गोल पूरी, तुम दिया लगा, दिए कंप्लीट हो गया, क्या पहनना चाहिए, सफेद कुर्ता पजामा कि रंग बिरंगा। तो हमारे अनिल भैया दिया लगा रहे हैं, ये भगवान के पास रहे, उसको आप जब जलाओगे ना तब वो ठीक हो जाएगा, गिरेगा दिया,
उसी में हो जाएगा फिर तो, अभी जाओगे फिर वो सूख जाएगा नहीं तो। हाँ चलो तो हमारा प्रसाद के लिए पूरी छन गया है, दिया है वहाँ पे, बीच में रख दो उसको, बस एक नंबर। ये हो गया दिया भगवान के लिए, भगवान हमारा सेट, इसको बंद किया जाए। और क्या करना है, इधर का लाइट, ये भगवान हमारा जी इधर है, गया खाना बन गया, भगवान जी हमारे इधर है। और बस फिर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। प्लेट में ले लो ना, चलो भाई खाया जाए प्रसाद। सब टूट पड़े,
ये बैठा है क्या? बैठा नहीं है, क्या बोलते हो? तुम्हारा मैं बैठा बोलती हूं। चमकीन कद्दू का नहीं बोलती, ये मेरा है ना? हां उठाओ। चलो फिर हमारा खाना आ गया है, खाते हैं। हम नीचे रख लेते हैं।